हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एच पी स्टडी हब आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल टुडे डेज सेवेंटी दिसंबर तो चले देखते हैं सतारह दिसंबर के करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के टॉप टेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं बिफोर so वी गो परीक्षा ऐप लेके आया है आप सभी के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी जहाँ पर आप एच पी कांस्टेबल एच पी और एच पी की टेस्ट सीरीज को परचेस करके अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं एनहांस कर सकते हैं अगर फ्रेंड्स आप भी 2021 में एक सीरीसिली वाला अटैम्प्ट देना चाहते हैं तो आप इस टेस्ट सीरीज को जरूर परचेज करें और यहाँ पर आपको एक्चुअल प्राइस पे करने की कोई आवश्यकता नहीं है आप हमारा कूपन कोड स्टडी हब फिफ्टी को यूज़ करें और यहाँ पर मिलेगा आपको डायरेक्ट फिफ्टी परसेंट का ऑफ परीक्षा आपको डाउनलोड करने का लिंक फ्रेंड्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेलाइकन को प्रेस करना ना भूलें तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को क्वेश्चन नंबर वन आपसे पूछा है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए हु विल बी द चीफ गेस्ट फॉर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन ऑन जनवरी ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी ट्वेंटी वन तो इंडिया के दो हजार इक्कीस के रिपब्लिक डे के यानी कि गणतंत्र दिवस के समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे आपके ऑप्शन ए जो बाइडन ऑप्शन बी बोरिस जॉनसन ऑप्शन सी योशहिंदे सुगा या फिर ऑप्शन डी एंजला मार्कल तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा इंडिया के नेक्स्ट ईयर के रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट होंगे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बोरिस जॉनसन तो यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन विल बी द चीफ गेस्ट फॉर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन ऑन जनवरी 26 2021 और ये जो आपकी बात कंफर्म हुई है 15 अप्रैल आपका पिछले कल यानी कि दिसंबर 15 2020 को जब आपके दो मिनिस्टर यानी कि यूके के फॉरेन सेक्रेटरी डोमिनिक राव और इंडिया के एक्सटर्नल फेम मिनिस्टर एस जयशंकर के बीच एक वार्तालाप के दौरान ये पुष्टि की गई कि इंडिया के जो नेक्स्ट रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट होंगे वो होंगे बोरिस जॉनसन तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप इसे याद रखें ऑप्शन ए की ओर देखें जो बाइडन तो ये होंगे फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट यूएसए के प्रेसिडेंट जो कि आपका 2021 में शपथ लेंगे ठीक है जनवरी 2021 में आपका ये शपथ लेंगे यूएसए के प्रेसिडेंट की एंजेला मार्केल ऑप्शन डी जो है ये है आपकी जर्मनी की प्रेजेंट में चांसलर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर टू अगेन फ्रेंड्स काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है हु हैज बीन नेम्ड सोशल एंट्रप्रोनर ऑफ द ईयर 2020 वर्ष 2020 के सामाजिक उद्यमी का नाम किसे दिया गया है तो ये आपका एक अवार्ड है जो हर साल आपका दिया जाता है तो इस साल सोशल एंट्रप्रनर का अवार्ड किसे दिया गया है आपके ऑप्शन ए सुजोय संतरा ऑप्शन बी संदीप पटेल ऑप्शन सी अशरफ पटेल या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिज तो सेकंड क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ये अवार्ड इस साल दिया गया है ऑप्शन सी अशरफ पटेल को तो अशरफ पटेल जो है इन्हें जो आपका अवार्ड दिया गया है ट्वेंटी ट्वेंटी का सोशल एंट्रप्रेनर ऑफ द ईयर और ये जो अवार्ड है फ्रेंड्स ये आपका प्रेजेंट किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो कि हैं आपकी स्मृति जुबी आपकी स्मृति जुबिन ईरानी दोबारा और फ्रेंड्स अशय पटेल की बात करें तो ये आपके को फाउंडर है टू ऑर्गेनाइजेशन के जिसमें से एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है परवा और दूसरे का आपका नाम है को म्यूटिनी यूथ कलेक्टिव ठीक है और इनका जो काम है ये ट्रेन करते हैं यूथ को फॉर द लीडरशिप रोल तो फ्रेंड्स फ्यूचर में लीडरशिप रोल को प्रमोट करने के लिए युवाओं के अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करने के लिए ये जो अवार्ड है हर साल किसी एनजीओ को दिया जाता है और इस बार जो है ये दिया गया है पटेल को सोशल एंट्रप्रनर ऑफ द ईयर अवार्ड तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच नेशन विल बी होस्टिंग आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप ट्वेंटी ट्वेंटी टू तो आईसीसी महिला विश्व कप दो हजार बाईस की मेजबानी कौन सा राष्ट्र कर रहा है आपके ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन बी इंग्लैंड ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका या फिर ऑप्शन डी न्यूजीलैंड तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आईसीसी सी वुमेन वर्ल्ड कप 2022 की जो मेजबानी कर रहा है वो कर रहा है न्यूजीलैंड तो न्यूजीलैंड जो है वो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप वुमेन 2022 की मेजबानी करेगा मार्च चार से अप्रैल तीन के बीच में और ये जो टूर्नामेंट है आप फ्रेंड्स आपका थर्टी डे चलेगा और इसकी जो अनाउंसमेंट हाल ही में आई ने की है आई सी सी के हेडक्वार्टर की बात करूँ वो मिलेंगे आपको दुबई में और आईसीसी के जो प्रेजेंट में चेयरमैन है वो भी आपके फ्रेंड्स इसके प्रेसिडेंट जो है वो प्रेजेंट में न्यूजीलैंड के हैं और जिनका नाम है आपका जी बार्कले ठीक है आप ये नाम याद रखिए जी बार्कले जो है प्रेजेंट में आईसीसी के चेयर प्रेजिडेंट हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर फोर हुवेंटीथ डेथ एनिवर्सरी वॉज ऑब्जर्व ऑन दिसंबर पंद्रह ट्वेंटी तो किसकी पुण्यतिथि जो है वो सेलिब्रेट की गई अभी रिसेंटली पंद्रह दिसंबर ट्वेंटी को आपके क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू लाल बहादुर शास्त्री विपिन चंद्र पोल या फिर ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फोर का वो होगा ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो आपकी डेथ एनिवर्सरी वो सेलिब्रेट की गई अभी हाल ही में पंद्रह दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी को और इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी होती है फ्रेंड्स वो होती है आपकी थर्टी फर्स्ट अक्टूबर को और ये जो कि हर साल मनाई जाती है एज अ नेशनल यूनिटी डे के रूप में तो राष्ट्रीय एकता दिवस जो हर साल मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मतिथि को जो कि होती है आपकी थर्टी अक्टूबर को और आपकी बात करें जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे ये थे इंडिया के फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और जिन्हें आपका पॉपुलरली जाना जाता था आयरन मैन ऑफ इंडिया यानी कि लोह पुरुष के नाम से भी और इन्हीं की हेल्प से फ्रेंड इंटीग्रेशन हुई थी इंडिया की प्रिंसली स्टेट विद द यूनियन ऑफ इंडिया तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन्होंने इंटीग्रेशन ऑफ द इंडिया के लिए और तभी जो है इनकी जो पुण्यतिथि है जिसको सेलिब्रेट किया जाता है सॉरी इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको सेलिब्रेट किया जाता है एज अ नेशनल यूनिटी डे तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें क्वेश्चन नंबर फाइव काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स तो आर ने हाल ही में आपका फर्स्ट ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर आपका सेटअप करने की बात की है तो कौन सी सिटी में वो आपका सेंटर बनेगा आपके ऑप्शन ए भोपाल ऑप्शन बी पुणे ऑप्शन सी जयपुर या फिर ऑप्शन डी लखनऊ तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी जयपुर तो जयपुर में सेट करेगा आरबीआई ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर और ये आपका इसलिए सेटअप किया जाएगा क्योंकि जो आपके इफेक्टिवली डील कर सके इंक्रीजिंग सर्कुलेशन ऑफ बैंक नोट तो काफ़ी आपने देखा होगा मार्केट में जो नोट्स हैं उनकी सर्कुलेशन काफ़ी ज़्यादा हुई है तो उसको कंट्रोल करने के लिए उससे इफेक्टिव डील करने के लिए ये जो है रिजर्व बैंक ने ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर सेटअप किया है जयपुर में जो आपका स्टोरेज करेगा रिसिप्ट करेगा एंड डिस्पैच करेगा करेंसी नोट्स को तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फर्स्ट में है आपको खुद से फर्स्ट टाइम सेटअप किया गया ऐसा सेंटर जिसका आपने नाम याद रखना और ये हुआ आपका जयपुर में राजस्थान में नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें क्वेश्चन नंबर सिक्स तो चौदह दिसंबर को चाबहा चाबहार बंदरगाह के उपयोग पर पहली त्रिपक्षीय कार्य समूह की बैठक किन तीन देशों के आयोजित की गई तो चाबहोर पोर्ट फ्रेंड्स आपको पता होगा ये आपको ईरान में मिलेगा आपको ईरान के अंदर इंडिया गवर्नमेंट जो इसको सेटअप कर रही है तो फर्स्ट टाइम ट्राई वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई है वो किन तीन देशों के बीच में हुई है आपके क्वेश्चन है इंडिया ईरान अफगानिस्तान ऑप्शन बी ईरान अफगानिस्तान उज्बेकिस्तान ऑप्शन सी ईरान ईरान इंडिया ईरान उजबेकिस्तान या फिर ऑप्शन डी ईरान तुर्कमेनिस्तान ईरान तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी right इज़ द राइट आंसर ईरान इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में जो ट्राइलेटरल मीटिंग हुई है और यहाँ पे बात की गई है अनाउंसमेंट की गई रिगार्डिंग द मीटिंग वाज मेड बाय मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और यहाँ पे बात हुई है फ्रेंड्स कि फ्यूचर में हम इस सवार पोर्ट को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं इंडिया की जो आपकी एक्सेस है वो सेंट्रल एशिया में पहुँचाने तक तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपका पोर्ट है जो कि फ्रेंड्स आपकी बात करता है इंडिया के ट्रेड को इंक्रीज करने के लिए या इंडिया के रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए स्पेशली आपके ट्रेड वाले रिलेशन विद सेंट्रल एशियन कंट्री तो आप इसे याद रखें हाल ही में एक मीटिंग हुई है जिसमें इंडिया ईरान और उज्बेकिस्तान ने पार्टिसिपेट किया चाबा पोर्ट से रिलेटेड मुद्दे के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें क्वेश्चन नंबर सेवन स्वाधीनता सड़क सॉरी आपका सारक विल बी ओपन बिटवीन इंडिया एंड विच नेशन तो स्वाधीनता सारक आपका एक रोड लिंक यहाँ पे सड़क आना था फ्रेंड्स हिंदी में सारक हो गए आपकी कौन से दो कंट्री के बीच में लिखा जाएगा सॉरी लिखा जाएगा ये कौन से दो कंट्री के बीच में रोड जो आपका बनने जा रहा है आपका ऑप्शन है नेपाल बांग्लादेश ऑप्शन सी म्यांमार या फिर ऑप्शन डी भूटान तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सात का ऑप्शन बी बांग्लादेश तो बांग्लादेश फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर ए के अब्दुल मोमन हैज इन्फॉर्म दैट स्वाधीनता सड़क बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश विल बी ओपन ऑन मार्च ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी ट्वेंटी वन तो नेक्स्ट ईयर ट्वेंटी मार्च तक जो है इस सड़क को ओपन करने की बात की है बांग्लादेश के फोरन मिनिस्टर ने और इंडिया इंडिया की साइड से बात करें तो ये रोड जो है फ्रेंड्स फंक्शनल में आ गया है जो कि आपका कनेक्ट कर रहा है मेहरपुर मुजिबनगर डिस्ट्रिक्ट को इन बांग्लादेश 2021 तो इंडिया की साइड से फ्रेंड्स सिर्फ आपका जो रोड है वो तैयार हो चुका है लेकिन बांग्लादेश की साइड से ये जो है आपका मार्च 2020 मार्च 26 2021 तक ओपन होने की बात है तो आप इसे याद रखिए इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बनने जा रहा है स्वाधीनता सड़क नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें क्वेश्चन नंबर एट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स आज इस लेर का आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप इसे याद रखें तो यूनेस्को ने फ्रेंड्स हाल ही में एक अवार्ड देने का डिसाइड किया है जिस अवार्ड का नाम होगा इंटरनेशनल प्राइज़ वो आपने मुझे बताना है कौन से पोलिटिकल लीडर के ऊपर ये आपका इंटरनेशनल प्राइज़ दिया जाएगा आपके ऑप्शन है इंदिरा गांधी ऑप्शन बी बेन जियाार भुटो ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी या फिर ऑप्शन डी शेख मजमूदार मुजिम्बर रहमान तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी शेख मुजुबर रहमान तो यूनेस्को ने यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया है कि वो लॉन्च करेंगे यूनेस्को बांग्लादेश भगबंधु शेख मजूमदीर रहमान के ऊपर एक इंटरनेशनल प्राइज़ तो शेख मजहम्बुर रहमान के ऊपर एक इंटरनेशनल प्राइज़ देने की बात की है यूनेस्को ने और ये जो प्राइज़ फ्रेंड्स दिया जाएगा कोई भी पर्सन अगर क्रिएटिव इकनॉमी फील्ड में काम करता है तो उससे जो क्रिएटिव इकनॉमी के आइडिया लाएगा उस पर्सन को यह अवार्ड दिया जाएगा और ये जो अवार्ड आपका स्टार्ट होगा नवंबर 2021 से यानी कि नेक्स्ट ईयर से अवार्ड स्टार्ट होगा आप इसे याद करें और इसको स्टार्ट कर रहा है यूनेस्को और शेख मुजीबुर रहमान की बात करें तो ये बांग्लादेश के पोलिटिशियन थे और इन्हें आपका फादर ऑफ द नेशन भी कहा जाता है तो काफी बट क्वेश्चन आप इसे याद रखें यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को के जो आपको हेडकॉर्टर मिलेंगे फ्रांस की राजधानी कैपिटल में और ये आपका सेटअप हुआ था नाइनटीन में फ्रेंड्स आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपने मुझे बताना है कि यूनेस्को के प्रेजेंट में प्रेसिडेंट कौन है यूनेस्को के प्रेजिडेंट प्रेजेंट में कौन है नेक्स्ट क्वेश्चन बात करूँ क्वेश्चन नंबर नाइन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन इज लोकेटेड एट तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान आपको कहाँ पे मिलेगा फ्रेंड्स आपको पता है इंडिया में न्यूट्रिशन की काफ़ी कमी है तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है वो आपके कहाँ पर आपका क्वेश्चन है चेन्नई ऑप्शन बी बेंगलोर ऑप्शन सी न्यू डेली ऑप्शन डी हैदराबाद तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हैदराबाद तो नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि एन ये जो आपका काम करता है रिगार्डिंग इंडियन पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन एंड ट्रांसलेशन रिसर्च सेंटर के रूप में और ये आपको मिलेगा हैदराबाद इंडिया में और ये फ्रेंड्स आपका कलेक्टिवली काम करता है विद आई यानी कि इंडियन काउंसलिंग मेडिकल रिसर्च के साथ ये मिलकर काम करता है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन जो कि आपका फाउंड किया गया था 1918 में बाय सर रॉबर्ट मैक्रिसन द्वारा और लेटर इसकी जो आपको इसका हेडकोटर को या इसके इंस्टीट्यूट को शिफ्ट किया गया हैदराबाद में 1958 में और इसके प्रेजेंट में डायरेक्टर की बात करूँ नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की वो मिलेंगे आपको डॉक्टर आर हेमलथा तो इसका डायरेक्टर का नाम याद रखें डॉक्टर आर हेमलथा इसके प्रेजेंट में आपके डायरेक्टर हैं और जो कि आपका लोकेट करता है, है हैदराबाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें क्वेश्चन नंबर टेन और आज का ये लास्ट क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्ट्रेट जी के तरफ से फ्रेंड्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच विद रिगार्ड टू द इंडियन हु हैव बीन हु हैव वोन नोबल प्राइज तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे गिवन नाम दिए गए हैं और उनके साथ ईयर दिए गए हैं आपने मुझे बताना है करेक्ट ऑर्डर इनमें से कौन सा नहीं है कौन से साल में किस पर्सन को जो नोबेल पीस प्राइज इसमें से नहीं दिया गया है तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए को देखें रविंद्रनाथ टैगोर उन्नीस तो इनको बिल्कुल सही है ये ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए उन्नीस में जो है इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था ऑप्शन बी को देखें सी रमन 1930 तो ये भी बिल्कुल राइट है सीवी रमन को जो नोबल प्राइस मिला था फिजिक्स की फील्ड में वो मिला था 1930 में ऑप्शन सी को देखें हरबिंद हरबिंद खुराना तो इनको भी जो फ्रेंड्स आपका नोबल पीस प्राइस जो दिया गया था 1968 में डीएनए की खोज के लिए ये भी बिल्कुल क्वेश्चन राइट है ऑप्शन डी को देखें मदर टेरसा तो मदर टेरेसा को जो नोबल पीस प्राइज दिया गया था वो फ्रेंड्स आपका नाइनटीन नहीं बल्कि नाइनटीन में दिया गया था तो फ्रेंड्स मदर टेरेसा जो कि आपकी आईलैंड की थी और प्रेजेंट में बात करूँ तो मैस उस वक्त ऑटोमैन एम्पायर से ये बिलोंग करती थी और प्रेजेंट में जिस कंट्री को ये बिलोंग करती है वो है आपकी मैस और इन्हें जो आपका नोबल जो पीस प्राइज़ दिया गया था वो दिया गया था नाइनटीन में और इसके साथ ही इन्होंने काफ़ी ऐसे ऑनर्स और अवार्ड जीते हैं उनमें से फेमस है रमन मैक्सी अवार्ड रमन मैक्से पीस अवार्ड जो कि इनको मिला था 1962 में और उसके बाद 1979 में मिला था इनको नोबेल पीस प्राइज़ तो फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में हमने देखे टॉप टेन इम्पोर्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग आपके आज की डेट के सो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा आपसे जो मैंने क्वेश्चन पूछा है आप उसका आंसर ज़रूर बताएं अगर आपको इस लेक्चर की पी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं आपको वहाँ पर हमारे सभी लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी और इसके साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो इसे आपको डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तब तक अपना ख्याल रखें मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में धन्यवाद